पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबियों से और खूबसूरतियों से नवाजा है। आप किसी भी प्रोविंस जाएं तो हर प्रोविंस की अपनी ही एक खूबसूरती होती है, जैसे बलूचिस्तान के ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में बहते चश्मे ठंडे ठंडे पानी के आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप दुनिया में भी जन्नत का नज़ारा कर सकते हैं। क्वेटा से 40 किलोमीटर की दूरी पर दरे बुलान नाम था एक कुर्द कबीले के सरदार का, जो कि बाद में इस रेलवे ट्रैक को नाम दिया गया दरे बुलान का। आगे चल के मैं आपको इसकी हिस्ट्री भी बताती हूँ और इसी रास्ते से जो भी आपको जो तफरीही मकान आते हैं उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगी, जैसे कि पीर गायब, पिंजरा पुल, दोजाना चश्मा, कोहे बाश, सराजाबाद और बुलान वही शामिल हैं। उसके अलावा जी यहाँ पे कहा जाता है कि हज़रत अली अलैह सलाम ने यहाँ पे जंग की थी और उनके जो है कदम मुबारक के निशान यहाँ पे मौजूद हैं। अगर जो है आप सिंध से सखर से बलूचिस्तान ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको इसी रास्ते पे मिलेगी। उसके अलावा दरे बुलान की ये खूबसूरत सी वादी, इसको वादी बुलान भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था, जिसमें पार्क भी था, आबशार भी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो जी क्वेटा के काफ़ी सारे व्लॉग जो थे अभी रह रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये व्लॉग आपके साथ शेयर करूं और ये जो है दरे बुलान की खूबसूरती भी आपको दिखाऊं और उसके साथ साथ ही जो इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊं। बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जी अभी हम जा रहे थे पीर गायब और हमने सुना हुआ था कि वो जो है लॉकडाउन की वजह से बंद है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ट्राई करते हैं। तो जी ये है क्वेटा से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पे पीर गायब है और वहाँ पर जाते जाते आपको तकरीबन 2.5 घंटे लग सकते हैं। और पीर गायब की मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ कि आज से सैकड़ों साल पहले पीर गायब जो है एक पीर था, अपनी एक बहन के साथ बलूचिस्तान आए थे इस्लाम की दावत देने। और वहाँ पर बलूचिस्तान में काफ़ी सारे जो है लोग नॉन मुस्लिम थे, बुत परस्ती थी, तो वो लोग उनके दुश्मन हो गए और उनको मारने के लिए यहाँ पर आए। तो वो और उनकी जो बहन थी वो इस वादी में आई, इन चट्टानों के बीच में वो पीर साहब जो है गायब हो गए और अभी तक उसका जो है कोई निशान नहीं है, ना कोई कभी लोगों को वो मिला है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस वादी को पीर गायब का नाम दिया गया। और उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी आबशार भी है और हमने यहाँ पर जो है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, और हैं तो ये पिकनिक पॉइंट, तफरीही मकाम है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद था। तो फिर जी ये तो बंद था, हम जा नहीं पाए। मुझे बहुत शौक़ था यहाँ पे जाने का और बहुत ही खूबसूरत सी वादी है वो, आप गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितनी प्यारी जगह है वो। उसके बाद जी भाई ने कहा कि एक और पॉइंट है, हम उस साइड चलते हैं। तो फिर हम उस साइड जाने लगे और बीच बीच में ये पहाड़ों की खूबसूरती, उनके ऊपर बादल, नीला नीला आसमान और ये जो है दरे बुलान का रास्ता, बहुत ही इंजॉय किया हमने। और उसके अलावा अगर आप पश्तो और बलोची सॉन्ग सुने इसी रास्ते पे, भले आपको वो लैंग्वेज जो है समझ में ना आए, लेकिन आप यकीन करें कि आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो हमने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किए पश्तो और बलोची सॉन्ग्स। और उसके अलावा जी आप ये रास्ता देख सकते हैं, हमने सबसे ज़्यादा जो है ना मैंने क्वेटा में इसी रास्ते को इंजॉय किया, क्योंकि ये रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, पहाड़ों के बीच में बना हुआ था। उसके अलावा मैं दरे बुलान की हिस्ट्री भी आपको आगे चल के बताती हूँ, पहले मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊँ जहाँ पर हम गए थे। उसके अलावा जी ज़ियारत का रास्ता जो था वो भी बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बहुत ऊंचाई थी तो मैंने डर की वजह से जो है वो रास्ता इंजॉय नहीं किया। ज़ियारत वाले ब्लॉग की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर मेरी क्या हालत हुई थी, क्योंकि मुझे ऊँचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और इसकी जो है मज़े की बात ये थी कि ये ऊँचाई पर नहीं था और इसके अलावा पहाड़ जो बने हुए थे और जिस तरीके से ये दरे बुलान की जो रेलवे ट्रैक जिसको बिछाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये सिंध को बलूचिस्तान से कनेक्ट करती हैं। उसके अलावा फ्लड में जो है ये ब्रिज टूट गई थी, मतलब भाई बता रहे थे तो मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो फ्लड में जो है ये ब्रिज यहाँ से, अभी भाई इशारा करें कि यहाँ से ये ब्रिज फ्लड में टूट गई थी, अभी जो है उन्होंने इनका काम फिर से करवाया है।
ठीक है जी। और यहाँ से सिब्बी भी करीब पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, फील हो रही थी, इतनी ज़्यादा नहीं यहाँ पर। और हम जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो हमसे पहले और भी काफ़ी जो है फैमिलीज बैठी हुई थी, और जैसे ही हम उतरे सफ़िया भाभी वाले भी हमारे साथ, दो गाड़ियाँ थी हमारी, आंटी सफ़िया भाभी, मेरा राहिम और भाई, ये सब भी हमारे साथ थे। तो आंटी यहाँ पे जूसेस निकाल रही थी, और ये वो जो है बहुत ही एक खूबसूरत सा पहाड़ था, और जी उसी खूबसूरत पहाड़ के साथ एक छोटा सा लेक भी था ठंडे पानी का, लोग यहाँ पे नहा रहे थे, और पिकनिक पॉइंट था ये भी, लेकिन काफ़ी कम लोगों को इस पॉइंट के बारे में पता था। और जी बलूचिस्तान की जो खूबसूरती है ना, जो चीज़ मैंने नोट की है वो ये है कि इतने बड़े बड़े पहाड़ और उनके बीच में ठंडे ठंडे पानी के चश्मे, छोटे छोटे लेक बने हुए, और इसके अलावा यहाँ के फ्रूट तो वैसे ही इतने फेमस हैं, और पहाड़ों के बीच में छोटे से बाग बने हुए हैं, फ्रूट्स हैं। बलूचिस्तान के बाग के व्लॉग भी मैंने बनाई हुई है, उसकी जो है लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वो देख सकते हैं। देन उसके अलावा जी यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इतना खूबसूरत सा नज़ारा था। और अगर आप ऐसी किसी जगह पर आ जाएं जहाँ पर अल्लाह ताला ने जो है इतनी खूबसूरती रखी हुई है, जो कि मतलब पुराने पाक में भी आता है ना कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटाओगे, तो जी ऐसी अगर आप किसी जगह पर आ जाते हैं ना, तो आपको दुनिया के सारे जो गम है, सारी जो है डिप्रेशन परेशानी, ये वो सब कुछ आप भूल जाते हैं, और उसी पल में आप खो जाते हैं, उसी लम्हे में आप खो जाते हैं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, अगर आप जो है स्टडी वगैरह से बोर हो गए हैं तो आप जो है किसी नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं। सिंध की अपनी खूबसूरती है, बलूचिस्तान की अपनी खूबसूरती है, पंजाब के पी के सब जो हैं पाकिस्तान के इलाके, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती से नवाजा है। तो जी आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ दर्रे बुलान के कुछ खूबसूरत से नज़ारे, और उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ जो कि दिलकशी और खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आप हैं। दर बुलान क्वेटा से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, और बुलान नाम एक गुट कबीले की अजीम शख्सियत का नाम से मंसूब है, और उसकी जो नस्लें हैं वो आज भी इस इलाके में मुकीम हैं। बरतानवी हुकूमत के टाइम पे इस जो है बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में सुरंगें बनाकर रेलवे ट्रैक बिछाया गया। बरतानवी हुकूमत के जंगी मकासद के लिए बनाए गए इस रेलवे ट्रैक को हुकूमत पाकिस्तान ने मुसाफरों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका सफ़र इस कदर खूबसूरत है, जो कि एक बार ज़िंदगी में इस ट्रेन का सफ़र करेगा वो कभी नहीं भूल पाएगा। इस दर्रे से गुजरने के लिए 17 सुरंगें अबूर करनी पड़ती हैं, जो कि पहली मर्तबा अगर कोई क्वेटा का सफ़र करे तो वो इस ट्रेन के सफ़र से आगाज़ कर सकता है, और वो सफ़र उनके लिए जो है बहुत ही मुनफरद सफ़र होगा। हर सुरंग के दरवाज़े पे उसका नाम और नंबर दर्ज है, और सबसे ज़्यादा तवील जो सुरंग है वो सुरंग नंबर 9 है। ये इलाका बाहर से जितना खुश्क नज़र आता है, अंदर से उतना ही हसीनो जमील और दिलकश है। ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के दरमियाँ सांप की तरह बलखाती नदी वुलान की खूबसूरती को चार चांद लगाती है। इन सुरंगों में से 16 नंबर जो सुरंग है उसका नाम मैरी जेन रखा गया। 1984 में जब एक इंजीनियर की वाइफ की डेथ हो गई तो उन्होंने उस सुरंग के ऊपर उसका कब्र बनाया और उस सुरंग का नाम रखा था मैरी जेन। उसके अलावा जी हम यहाँ पे थोड़ी देर रुके थे, और बहुत ही तेज़ हवा लग रही थी यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था, और हमने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली यहाँ पर। उसके बाद जी हम फिर से अपने सफ़र पर रवाना हो गए, और इस रेलवे ट्रैक को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहाड़ों के बीच में बनी हुई इस ट्रैक को किस तरीके से उन जो है मज़दूरों ने बनाया होगा, जिस टाइम पे ना कोई मशीनरी थी और ना कोई दूसरी फैसिलिटी मौजूद थी, उसके बावजूद भी इन लोगों ने कितनी मेहनत से इसे बनाया है। उसके
इसके अलावा जी अब हम जा रहे थे कोलपुर सिटी, क्योंकि वहाँ पर जो है हमें लंच करना था। कोलपुर सिटी भी बहुत ही खूबसूरत सा सिटी है, जो कि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और ये बुलान की जो है मगरिब साइड पे है। और जी हमारा सफ़र जारी था, रास्तों को एंजॉय करते हुए हम जा रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, लेकिन कुछ जो है चिप्स वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वो हमने पी गाड़ी में ही, और सफ़र को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बहुत ही खूबसूरत रास्ता था। और जी रास्तों को एंजॉय करते हुए हमारा सफ़र अभी भी जारी है कोलपुर की तरफ, और कोलपुर सर्दियों में बहुत ही दिलकश लगता है। दिसंबर एंड जनवरी में यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और ये सारे पहाड़ जो आप देख रहे हैं ये बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। बहुत ही मुनफरद नज़ारा होता है वो। और जी अब हम पहुंच गए हैं कोलपुर सिटी, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट आपको नज़र आएगा रास्ते पर। इसकी जो है मस्जिद अभी बन रही है, इसका तैमीरी काम जो है वो अभी चल रहा है। यहाँ पर ये जो है आर्टिफिशियल आबशार भी थे यहाँ पर, और ये मस्जिद भी बन रहा था जिसका नक्शा बिल्कुल जो है इस्लामाबाद वाली फैसल मस्जिद की तरह था। और यहाँ पे हमने किया लंच और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। बच्चे भी हमारे साथ थे, मेरा, राहिम, डॉली, अवेस, इन सबको भी भूख लगी थी, हमें भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हम गए पहले जो है लंच करने, और यहाँ पे नीचे सिटिंग का भी था कि आप यहाँ पे नीचे भी बैठ सकते हैं और उसके अलावा जो है ऊपर भी बैठने का इंतज़ाम था। और यहाँ पे मेरा को भूख भी लगी है, गर्मी भी हो रही थी इतनी मासूम थी माशाल्लाह से, ये हम, मैं बहुत मिस कर रही हूँ मेरा और राहिम को। तो जी लंच भी आ चुका था और हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने बिल्कुल भी हमसे जो है सब्र नहीं हो रहा था। खाना यहाँ का सही था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था खाना जितना ये रेस्टोरेंट को, मतलब इन लोगों ने रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, पार्क बनाया है, मस्जिद है, हर चीज़ है, ज़ू भी बनाया हुआ है छोटा सा, और एक आर्टिफिशियल जो है आबशार भी बनाई है, उसका काम भी अभी तक चल रहा था, लेकिन खाना इतना मज़े का नहीं था। और यहाँ पर जो है तकरीबन हर रेस्टोरेंट में पर्दे का अलग से इंतज़ाम होता है बलूचिस्तान में, आपको नज़र आएगा, बोलो कि बहुत ही अच्छा है मतलब फैमिली के हिसाब से। और अब जी हम फ्रेश हुए, नमाज़ पढ़ी यहाँ पर, उसके बाद हम फिर चाय पीने गए। जिन लोगों ने छोटे से पार्क बनाए हुए थे, और यहाँ पर सिर्फ आउट ऑफ सिटी के लोग नहीं बल्कि अपनी ही सिटी के लोग भी आ रहे थे शाम के टाइम पे चाय पीने और फ्रेश हवा खाने। और इस जो है पार्क के मज़े की बात ये थी कि इस पार्क के बिल्कुल करीब ही जो है रेलवे ट्रैक था वहाँ पर। इसके अलावा जी मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे फ्लावर थे, और ये वो आबशार था जो कि अभी जिसका काम जारी था, जो कि बन रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर ज़ू भी थे, एक यहाँ पर था, एक रोड की उस साइड एक पहाड़ पे ज़ू बना हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पे शेर भी थे लेकिन हम वो, मतलब इतना टाइम नहीं था ना वहाँ तक जाने का, तो मैंने दूर से ऐसी वीडियो बनाई थी। और ये फ्रेश जो है फ्लावर्स थे मुख्तलिफ किस्म के। इसके अलावा जी यहाँ पे छोटे से हट्स भी बने हुए थे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, ग्रीनरी थी, फ्लावर्स थे, फ्रेश हवा थी, हमने यहाँ पे जो है बहुत इंजॉय किया।
ये जो नीचे सुरंग है उसके ऊपर ये रेलवे ट्रैक बना हुआ था, यहाँ से ट्रेन गुजरती है। मैंने वीडियोस में देखा था और मैंने ट्रेन का बहुत वेट किया लेकिन ट्रेन उस टाइम नहीं आई। बहुत ही खूबसूरत लगता है जहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो। और ये पहाड़ आप देख रहे हैं और ये यहाँ पे जो माशाल्लाह लिखा हुआ है ना, ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर ज़ू बना हुआ है। यहाँ पे शेर भी था, हाथी भी था लेकिन हम यहाँ पे नहीं जा पाए ना, देर हो रही थी, टाइम बहुत कम था इस वजह से। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ज़ू है, हम फिर वहाँ गए। यहाँ पे भी कुछ एनिमल्स थे लेकिन वहाँ पे एनिमल्स ज़्यादा थे। उसके बाद जी हमने पी चाय, और आपको तो पता है चाय हमारा सस्ता नशा है। और जी तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था तो अब जो है हम क्वेटा के लिए रवाना हुए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं मज़े मज़े की रेसिपीज शेयर करती हूँ। तो जी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।